एक और टाइटैनिक अटलांटिक में समा गई। टाइटैनिक सबमरीन में सवार शहजादा दाऊद कौन थे? 4 करोड़ में खरीदा था मौत का टिकट। बेटे सुलेमान दाऊद के बारे में क्या पता चला? अटलांटिक महासागर में पिछले 6 दिनों से लापता टाइटैनिक सबमरीन को ढूंढ लिया गया है। वही हुआ जिस अनहोनी की आशंका थी। इस सबमरीन में सवार एक चालक समेत दुनिया के 4 बड़े अरबपतियों की मौत हो गई है। ये सभी लोग 1911 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए सबमरीन से अटलांटिक महासागर की गहराइयों में गए थे, जहां से वे कभी वापस नहीं लौट सके। इसी टाइटैनिक सबमरीन में पाकिस्तानी मूल के एक अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी सवार था। उनकी मौत की खबर से इनके परिवार के साथ साथ पाकिस्तान के कारोबार जगत में भी शोक छा गया है। शहजादा दाऊद की बहन अजमेह दाऊद ने इस अनहोनी की खबर मिलने के बाद मीडिया को इनके रवाना होने से पहले की कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि इस एडवेंचर ट्रिप पर रवाना होने से पहले उनकी अपने भतीजे 19 वर्षीय सुलेमान से फोन पर बात हुई थी। उनके मुताबिक सुलेमान अपने पिता के साथ सबमरीन से सागर की गहराइयों में टाइटैनिक के डूबे मलबे को देखने जाने से डर रहा था, लेकिन फादर्स डे पर अपने पिता से संबंधों को मजबूत करने के लिए वे उनके साथ जाने को तैयार हो गया। शहजादा दाऊद की बहन अजमेह दाऊद ने बताया कि उन्हें बचपन से ही टाइटैनिक को लेकर एक बड़ा रोमांच था। वे उसे करीब से देखना चाहते थे, लेकिन उनकी इसी चाहत ने उन्हें मौत के आगोश में हमेशा के लिए सुला दिया। ओशन गेट कंपनी की टाइटैनिक टूरिस्ट सबमरीन में एक चालक समेत 4 यात्री सवार थे। इनमें ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल आनरी नार्जलेट और ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश भी शामिल थे। उन सभी की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस हादसे में मारे गए शहजादा दाऊद ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के अरबपति व्यवसायी थे। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने इस रोमांचक सफर के लिए पूरे 4 करोड़ रुपए में 2 टिकट खरीदे थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े समूहों में से एक एग्रो कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष थे, जिनका उर्वरक, वाहन निर्माण, ऊर्जा और डिजिटल तकनीकों में निवेश है। वे कैलिफोर्निया स्थित शोध संस्थान SETI के ट्रस्टी भी थे। शहजादा दाऊद की गिनती पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में होती है। दाऊद ग्रुप कई बड़ी कंपनियां चलाता है जो पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन तक फैली हुई हैं। ब्रिटेन के सरे इलाके में वे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। अटलांटिक महासागर में गुम हुई इनकी पनडुब्बी रविवार को महज 45 मिनट के भीतर ही उसका बेस से संपर्क टूट गया था। हादसे के 5 दिन बाद तक इनकी पनडुब्बी का कोई अता पता नहीं चल सका था। इन्हें ढूंढ निकालने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की नौसेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, जबकि इस खोजी अभियान में कई और देश भी सहयोग कर रहे थे। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद बेहद रोमांच पसंद व्यक्ति थे और अक्सर वे इस तरह की ट्रिप्स प्लान किया करते थे, लेकिन उनके इसी शौक ने उनकी और उनके बेटे की जान ले ली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।